पहले तो मैं सिंधिया जी को बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइनिंग करी है, और ज्वाइन करने का मुख्य कारण जो उपेक्षा पार्टी में उनकी हो रही थी, और सबसे बड़ी बात है ये एक उनकी नहीं, आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, नेता हों, वर्तमान से जो 15 महीने से जो सरकार चल रही थी और उनकी उपेक्षा लगातार हो रही है, और भोपाल में किसी भी कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही थी, ऐसे ही कहीं विधायक और मंत्री खुद दुखी हैं कि हमारी सरकार में नहीं सुनी जाती है, कि बस थोड़ी सी 2 मिनट बाद है कि चलो चलो, तो ये कहीं ना कहीं सबके मन में जो पीड़ा थी उसी का आज ये माहौल जो बना है। ना तो क्षेत्र में विकास है, ना कोई उपलब्धि बताने को है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये सब बातें जो मन में लेकर जो जनता में आक्रोश था, कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, ये मैं कई बार कमलनाथ जी को भी लिखित में भी दे चुका हूँ, बता भी चुका था, कहीं ना कहीं उसको अनदेखी की गई और आज उसका नतीजा ये है। और जो लगातार कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है कि जो यहाँ पर 22 विधायक हैं वो एकजुट हैं और एक साथ होकर एक निर्णय लिया है, इसलिए कोई भी कार्यकर्ता या नेता भ्रम में न रहे, 22 कार्यकर्ता जो यहाँ पर वो एकजुट हैं और हम एक साथ हैं। धन्यवाद।